सारे के सारे नामर्द हो, हाथों में चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते तुम सब? डर डर डर, हर बात में डर। किसी को अपने बीवी बच्चे को खोने का डर है, किसी को अपने सारे सपनों के उजड़ने का डर है, तो किसी को जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने का डर है। मर मर के जीना, डर डर के मरना, अगर जीतने का जज्बा रखोगे तो ही तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। डर नाम की चीज को अपने पैरों तले कुचल दो, उससे नजरें मिलाओ, जियो जी फाड़ के। भूत ना आसमान से टपकते हैं ना जमीन से निकलते हैं, वो इंसान की बनी इस फैक्ट्री से निकलते हैं। हम फैक्ट्री के मालिक हैं, अगर हम गेट पर ताला लगा देंगे तो कोई भूत कोई प्रेत उसमें बिल्कुल नहीं घुस सकता। मालिक गुलाम के आगे नहीं झुकेगा। बाप का भाई का दादा का कांता बाई का सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, और वो आशीर्वाद मेरा हथियार है। और मेरा आशीर्वाद मैं तुम सबको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो फिर तुम तैयार हो? तैयार है। मेरे कदम से कदम मिलाकर कौन मेरे साथ चलेगा बोलो? मैं। कौन मुसीबत के साथ कुश्ती लड़ेगा मेरे साथ? मैं। बीवियों की तरह हर मुश्किल में कौन मेरा साथ निभाएगा? मैं। हर हर महादेव। डरना मत। ओके। चलो घुसते हैं। अरे मैं तो हिला भी नहीं तो एक कदम आगे कैसे चला गया? तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, हम अपनी सेफ्टी के लिए पीछे आए हैं। अरे दो मिनट पहले तो जोश में चिल्ला रहे थे, एकदम से हवा कैसे निकल गई? वो तो हमने इसलिए कहा था क्योंकि आपने हमें जोश दिलाया था। अब हम आपको जोश दिलाते हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे। पीछे मतलब साथ में, साथ में। फोन के वाइब्रेशन मोड की तरह थर थर कांप क्यों रहा है? कहाँ गया तेरा जोश, कहाँ गई तेरी हिम्मत? तुम पहले अंदर जाकर झाड़ी मार कर आओ, उसके बाद मैं नहीं होकर चूना लगा रहा है। अकेले नहीं साथ में जाएंगे। ये हुई ना बात मेरे शेर, दैट्स द स्पिरिट। ये स्पिरिट विरिट का पता नहीं है, मैंने अपनी लुंगी कुश्ती लड़ने के लिए नहीं उठाई है, भूत आने पे 1-2 का 4 होने के लिए उठाई है। तो भूत से भी तेज भागेगा? भूत से तेज भागूंगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन किसी सेफ जगह छुप जाऊंगा ये पता है। तुम सबके ये फालतू जोकना बंद करो, हम सब यहाँ एक साथ आए हैं तो एक साथ ही आगे बढ़ेंगे, जिएंगे साथ मरोगे तुम लोग। डरना मत। ओके। 1-2। अरे अरे ये तो शाम भाई है। अरे रुको, मैं इसको जानता हूँ, वो भूत नहीं है। अरे मैंने ही उसको यहाँ पर एक रात रहने के लिए भेजा था, पता नहीं क्यों डर के मारे बाहर भाग गया वो। देखा, सबकी गलत फहमी है, हम उसे भूत समझ रहे थे, वो हमें भूत समझ रहा था। कुछ नहीं हुआ, हिम्मत से काम लो सब लोग। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। मैं इस घर का चक्कर लगा कर आता हूँ, तब तक तुम लोग हिम्मत से काम लो। मम्मी, इनको तो तसल्ली दे दी मैंने, पर मुझे कौन तसल्ली देगा? अरे इंटरपोको का चक्कर में क्या मुसीबत मोल ली मैंने। कहीं सच में इस घर में भूत भूत तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं होता, भूत भूत कुछ नहीं होता। डरो मत, कुछ नहीं है, सब ठीक है। तुम डर क्यों गए? ये मेरे मोबाइल का रिंगटोन था। अबे तो बदलना अपनी रिंगटोन। डर थोड़ा कम हुआ। ये गोली खाने से डर चला जाता है क्या? भूत का नहीं, मरने का डर जाता है। अरे बाप रे, हम चारों में आप ही तो बहादुर हो, आप लुढ़क गए तो हमारा क्या होगा? अरे मैं एकदम सख्त लौंडा हूँ, पर मेरा दिल जो है ना जरा नाजुक हो गया है। क्या सर, आप इतना डर क्यों गए? बड़ी लंबी कहानी है, लड़की के चक्कर ने सख्त लौंडे को कमजोर बना दिया। यही थी वो मेरी कामिनी, कश्मीर की सेब। सॉरी सर, मेरी वाली के साथ ड्रीम सीक्वेंस में चला गया। स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए मैं थोड़ा सा घुस गया। कैसा है ये सब? छोड़िए ना, आपका फ्लैशबैक कंटिन्यू रखिए। एक दिन नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे अरे रहने दो, पैर नहीं छू रहा हूँ, रिमोट है। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम रघुपति है, मैं आपकी बेटी का पति बनना चाहता हूँ।
बच्चे हैं क्या? अरे नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये नहीं वो चिकनी हाँ? दूसरी ये वाली। आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी कामिनी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तू इससे शादी कर लेगी तो तेरी बहन से कौन शादी करेगा? तेरा बाप तो दूसरी शादी करके भाग गया और तब से तुम दोनों का बोझ मैं झेल रही हूँ। बस माँ। अरे क्यों बस करूँ, तू जा यहाँ से, तुझे क्या परवाह, भले ही तेरी बहन कुएं में कूद जाए, तू शादी कर ले। बहुत हो गया माँ, चाहे धरती फट जाए, चाहे आकाश टूटकर सर पर गिर जाए, चाहे मेरी जवानी ढल जाए, जब तक अपनी बहन को किसी से मिला नहीं देती मैं दूल्हे को चढ़ने नहीं दूंगी। क्या? मेरा मतलब घोड़ी पे, ये मेरी शपथ है। ओए, शपथ खा के चपत लगा रही है। रघुपति तुम ही हो मेरे होने वाले पति। ज्यादा मसल मत, मसला खड़ा हो जाएगा। समझ गया, तुम्हारी छोटी बहन की शादी कराऊंगा, उसके बाद मेरी शादी होगी, है ना? नमस्ते जी। छोटी बेटी की शादी करा दी, अब हम भी शादी कर लें क्या? बहन की शादी तो तूने करवा दी, अब भाई के लिए भी कुछ कर दे। कर दिया लालजी औरत, ये लो, बहुत बड़े जिम में इसकी चपरासी की नौकरी लग गई है। मुबारक हो। थैंक यू। ये ले बेटा, अब तू सेट है। ये अंदर आ जाओ, देखते क्या आ जाओ। तुझे लग जाए। अरे अरे अरे, पहले तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस कम है, वो भी मुझे दे रही हो। कामिनी, तुम्हारी बहन की शादी हो गई, भाई को भी नौकरी मिल गई, अब क्यों ना हम भी शादी करें? 100% नो डाउट, श्योर शॉट। तो अपना ही सोचो, मेरी तो किस्मत खराब है, मुझ बूढ़ी को अकेला छोड़कर तुम दोनों शादी करके मजे करोगे। जाओ भाई जाओ, मैं तो अकेली ही मर जाऊंगी, मेरी किसे पड़ी है। बहुत हो गया माँ, चाहे मेरे सारे बाल सफेद ही क्यों ना हो जाएं, मेरी कमर ही क्यों ना टूट जाए, मेरी मौत आ जाए पर मैं शादी नहीं करूंगी, ये मेरी शपथ है। खुश रहे मेरी बच्ची। बात बात पे शपथ खाती, खाना नहीं खाती क्या? अब क्या क्या करूँ मैं? ठीक है, शादी के बाद तुम्हारी सौतेली माँ हमारे साथ ही रहेगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अब जाऊँ शादी के कार्ड छपवा लूँ? हाँ, साथ में हनीमून बुक कर लेना। नॉटी गर्ल। आंटी, मुझे अब और कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कार्ड छप गए हैं, मेरी जवानी की रेल को हरी झंडी मिल गई है। कामिनी, मेरी कामिनी, कहाँ हो तुम? तुम्हारी ये कामिनी बड़ी कमीनी निकली, हमें छोड़कर चली गई। चली गई मतलब? मुझे बोली दूध लेने जा रही हूँ और दूध वाले के साथ भाग गई। कामिनी, हाँ। जितना दाना खोने का गम नहीं हो रहा, उतना चोंच उखड़ने का हो रहा है। उड़ी बबाई तो चमत्कार है, जब इंसान पैदा होता है ना तो ऊपर वाला उसको 9 छेद देता है, उसने तुम्हें 10 ठो छेद दिया है। अरे वाह, थैंक यू वाह। दादा, इसमें तुमको खुश नहीं होना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए। तुम्हारे दिल में ऊपर वाले ने एक छोटा सा छेद बनाया है। दिल में छेद उस ऊपर वाले ने नहीं, क्या? उस कामिनी ने बनाया है। नहीं, नहीं नहीं, उसके प्यार के झोल में दिल में होल हो गया है मेरे। ऐ नहीं हो सकता है, उसके प्यार करने की वजह से तुमको छेद नहीं हुआ है, ये छेद तुमको बचपन से ही है। हाँ, लेकिन ये छोटा छेद उम्र के साथ बड़ा हो रहा है। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात है तो मैं अपने घर वालों को फोन करके बुला लूं? अरे नहीं नहीं नहीं, चिंता कर बिना तुम्हारे इस छेद को ना मैं सीमेंट लगा के बराबर कर देगा। दादा, इसके लिए 10 का जरूरत है। अरे सर, मैं तो अचानक बेहोश हो गया था, कोई 10,000 रुपए लेकर बेहोश होता है क्या? बाबू मोशाय, हम तुमसे 10,000 नहीं मांगता है, तो फिर 10 लाख मांगता है। 10 लाख रुपए? भाई तो बेहोश हो गया। कंट्रोल। सॉरी डॉक्टर। क्या सॉरी डॉक्टर, जिसे भी देखता है टेस्ट ड्राइव के लिए चला जाता है, क्या इसका टच स्क्रीन बिगड़ गया है? ऐ दादा, तुम क्या बिल का नाम सुनते ही बेहोश हो गया? ऑपरेशन करने के लिए टाका तो लगेगा ना। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर, मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए, प्लीज कर दीजिए। अरे नहीं दादा, तुम्हारा ऑपरेशन करना वो भी 1,000 रुपए में मुश्किल है। एक ठो काम हम कर सकता है, तुमको सलाह दे सकता है। तो मारिए मेरे मुंह पे। रिवर्स इमोशनल थेरेपी। ये क्या होता है? जब भी तुमको बहुत ज्यादा खुशी होता है तब तुम क्या करता है? हंसता हूँ सर। लेकिन आज के बाद जब भी तुमको ज्यादा खुशी होगा ना, तब तुमको हंसना नहीं है, रोना है। और जब तुम्हारा इमोशन जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तब तुम्हारे साथ क्या होता है? हड्डियाँ थर थर कांपने लगती है और चिल्लाने लगता है। मगर आज के बाद जब भी तुमको डर लगे ना, अपने हाथ पैर ढीला करके जोर जोर से हंसा करो। तो दादा, डर लगेगा तो क्या करेगा? हंसूंगा। और खुशी होने पर? रोऊंगा सर। करेक्ट। नर्स, हाँ? इसे साथ ले जाकर डिस्चार्ज कर दो। ओके सर। फूड और बेड तो फ्री है, लेकिन हमने जो सलाह दिया है उसका टाका लेना मत भूलना। ओके सर। डॉक्टर साहब, सलाह देने के कौन पैसे लेता है? दादा, रिवर्स इमोशनल थेरेपी।
डॉक्टर आप तो मुझे लूट रहे हैं। सही समझा सिस्टर, इसकी हंसी पर मत जाना, इसे टका लेना। दूध में मिलावट करने वाला मेरे प्यार में मिलावट करके चला गया। हम दो चीजों से घिरे हुए हैं, एक है जरूरत और दूसरी गरीबी। इन दोनों को मिटाने के लिए एक ही हथियार काम आता है, पैसा। देखो अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिस्क लेने पर हमारी डेट फिक्स ना हो जाए, इस बात से डर लगता है। अरे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? हमारी मजबूरी देखकर तो भूतों को भी हम पर तरस आ जाएगा। बस दो चार दिन की ही तो बात है, एक बार ये काम हो गया ना तो सबको ढेर सारा पैसा मिलेगा। ओके ओके।